अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात। काफी दिनों के बाद हम आज बाहर जा रहे, इनफैक्ट 2-3 साल के बाद बाहर निकले हैं। रमजानों में पहले बहुत बाहर निकला करते थे, इस साल बाहर निकलने का मौका। और आज हम अली रोड जा रहे हैं, मोहम्मद अली रोड। हाँ, मोहम्मद अली। तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते चलें और व्लॉग बना दें, तो चलिए मेरे साथ मोहम्मद अली रोड। रात के 11-11:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं सब्जी वाले अभी भी पथारा लेके बैठे हैं सब्जियां बेचने के लिए। दुकानें ऑल द मोस्ट सारी बंद हो चुकी हैं, बट सब्जियां अभी भी बिक रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है मुंबई की शान। आगे डेकोरेशन हुई है, ये देख सकते हैं आप रोड के ऊपर, क्या बढ़िया सी खूबसूरत लग रही है। आपको कैसे लगती है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए मोहम्मद अली रोड यहाँ से बस शुरू ही होने वाला है और समझे शुरू हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं रौनक, लाइटिंग अभी तो और खूब सारी आगे आप देखोगे, और ऐसा लगेगा आपको कि ये तो अभी सुबह हुई है, रात थोड़ी हुई। और तकरीबन 12 बज गए थे इस समय हम जब पहुंचे थे, और यहाँ आप तब भी देख पा रहे होंगे कि क्या ये रौनक है। ऐसा लग रहा है कि लोग अभी काम पे निकले हैं, सुबह अभी हो रही है। तो यही खासियत है मुंबई की कि ये कभी मुंबई सोता नहीं है। माशाल्लाह 2 साल बाद फिर से ये रौनक देखने मिली है, अल्लाह करे ऐसी ही रहे, आमीन। और सबके बिजनेसेस और सारी चीजें ज्यादा और इससे ज्यादा फ्लरिश हो, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए यहाँ से हम लोग जब लेफ्ट लेते हैं ना, यहाँ पर हम लोग पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं। मैं बहुत छोटी थी तब रहते थे, उसके बाद 2-3 साल बाद तो हम शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ ये शुरू हो गया सारा मोहम्मद अली रोड का। और ये है फेमस नूर मोहम्मदी होटल। यहाँ पे एक बहुत फेमस डिश मिलती है, संजू बाबा चिकन। इनफैक्ट आप अंदर जाएंगे तो आपको जो संजू बाबा डिश है उसकी रेसिपी भी संजय दत्त द्वारा लिखी हुई दिखेगी। देखिए सारा रास्ते पर बेच रहे हैं, we
ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और माशाल्लाह रौनक एक दो साल के बाद फिर से आ रही है और आ चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये आप रौनक रमज़ान की जो आप देख रहे हो, ये स्पेशली मोहम्मद अली रोड की बहुत ही रौनक वाली रमज़ान लगती है हमेशा से मुझे, और बहुत ही रात को तो एकदम मज़ेदार सा ऐसा एकदम लाइटिंग वाइटिंग के साथ बहुत ही मज़ा आता है देखने के लिए, वहाँ जाने के लिए माशाल्लाह। आप देख रहे हैं ये है मिनारा मस्जिद, और ये बहुत ही फेमस एरिया है मिनारा मस्जिद का, और ये लेन जो है इसमें हमें जाना है, और गाड़ी बिल्कुल भी नहीं जा सकती है, और आप देख सकते हैं बाहर लाइन लगी है कि अंदर जाने के लिए, और इतनी भीड़ है तो शायद हम दोनों ये सोच रहे हैं कि पार्किंग भी नहीं मिलेगी एक तो शायद ये बाहर बैठेंगे आगे कहीं पार्क करके, और मैं आप लोगों को फटाफट अंदर का दिखा के आती हूँ मज़ेदार सी रौनक रमज़ान की यहाँ की। मुंबई पुलिस भी बहुत अच्छे से मैनेज करती है बाबा, हैट्स ऑफ टू देम, सलाम है उनको। और जो लोकल्स भी हैं वो भी खड़े रह के लोगों को गाइड करते हैं कि इस तरह से नहीं चलिए, रोड पे मत चलिए और साइड पर होके चलिए, ये देखिए किस तरीके से लोग सब बता रहे हैं साइड पे, ये लोकल्स हैं वो बोल रहे हैं साइड पे चलिए, ऐसा रोड पे मत चलिए क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती है, बच्चे हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बहुत अच्छे से इंतजाम तो बहुत ही अच्छे होते हैं हर साल। और ये देखिए बहुत ही फेमस है यहाँ की सुलेमान मिठाई वाला, और ज़रूर खाइएगा, आपने नाम भी सुना होगा। हाँ वैसे ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी होती है इनकी मिठाइयाँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जो लेन में जा रही हूँ, ये मिनारा मस्जिद की लेन में जा रही हूँ, जो मैंने आपको फ्रंट साइड दिखाया था मैं उस साइड से नहीं जा रही हूँ, जैसे आपने देखा बहुत भीड़ है तो मैं पीछे की गली से जा रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं 12:30 बजे के टाइम पे भी सारी दुकानें खुली है, हिजाब की, चीज़ों की, कपड़े की, लेसेस की, सारी माशाल्लाह दुकानें खुली है, और लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह। बरकत फिर से आ गई है, रौनक माशाल्लाह आ गई है इस रमज़ान में। माशाल्लाह मज़ेदार सी खुशबू तो है, और क्या मज़ेदार सा माहौल है, लोग बैठ के खा रहे हैं यहाँ पर। मालपुआ, जलेबी, रबड़ी बिक रही है ये साइड पर आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह से बढ़िया सी रौनक है, और खुशबू एक साइड से आ रही है, शोरमा की एक साइड से आ रही है, टिक्को की एक साइड से आ रही है, मिठाइयों की और ये सब स्वीट डिश की, तो समझ में नहीं आ रहा है लोग यहाँ क्या पैक करके लेके जाओ, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से व्लॉग बनाने आता तो है नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो शूट कर रही हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे शूट करूँ खुद को लेके भी, तो मैं थोड़ी कोशिश कर रही थी कि थोड़ी पीछे मेरी रौनक दिखा सकूँ और सब ये जो रश है वो दिखा पाऊँ आपको। Thank you.
रोड आए और शोरमे की दुकान न दिखे, शोरमे का स्टॉल नहीं दिखे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बन रहा है शोरमा। बहुत ज़्यादा शोरमे के यहाँ पे स्टॉप हैं, आप कहीं भी शोरमा खा सकते हो, सब जगह का मोर और लेस सेम ही होता है। तो शोरमा अगर आप यहाँ का ट्राई करें या आपने यहाँ का खाया है शोरमा, तो नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। यह है मोहम्मद अली रोड का फेमस मालपुआ, बहुत फेमस है मालपुआ। अगर आपने ट्राई नहीं किया है मोहम्मद अली रोड का तो ज़रूर कीजिएगा। मालपुआ कैसा दिए? सिंगल अंडे का 180 है, डबल अंडे का 200 है। वो जी पे है सिंगल किडनी कितने की? किडनी आगे 360 हुआ, 50 रुपए की है, 45 रुपए की है, सिंगल 180 है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ मालपुआ रबड़ी के साथ और 2-3 फिरनी ले रही हूँ। यहाँ आई हूँ तो कुछ तो लेना पड़ेगा ही। तो यहाँ मैं गर्मा गर्म मालपुआ और फिरनी ले रही हूँ। मैं पैसे भी लेके नहीं निकली थी तो मैंने कहा जीप पे कर देती हूँ। ये देखिए पीछे बढ़िया गर्मा गर्म बन रहे हैं, आप देख सकते हैं मजेदार से, और लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ये सारे रेस्टोरेंट्स अपने बाहर लगा के रखे हैं इन्होंने, टेबल और बिल्कुल भी जगह नहीं है। जैसे आप देख सकते हो बढ़िया से लोग खाए जा रहे हैं और हम तो यहाँ आके खा भी नहीं पाए बिकॉज वो जा ही नहीं सक रहे थे, अंदर घुस ही नहीं सक रहे थे। आप देख सकते हैं देखिए कितने 3 टाइप के टिक्के हैं, ये चिकन तंदूरी है माशाल्लाह से, और क्या फटाफट ऑर्डर निकाल के दे रहे हैं और लोग यहाँ खा रहे हैं। इसी हिसाब से सामने ये रही मीनारा मस्जिद, आप देख सकते हैं, और ये जो उसके नीचे है बहुत ही फेमस बरसों पहले की सुलेमान उस्मान मिठाई वाला है, और ये बहुत ही फेमस है। आपने नहीं खाई है ज़रूर खाइएगा, बहुत से लोगों ने जो मुंबई में रहते हैं वो ज़रूर खा चुके होंगे यहाँ के, और आप सबको पता है कि यहाँ के तो बड़े फेमस हैं और बड़े ही मशहूर मिठाइयाँ मिलती हैं। नहीं नहीं ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं, मैं बस जस्ट आपको बता रही हूँ। सकते हैं पथारे पे सब जूते दिख रहे हैं आपको, और बहुत ही रीजनेबल हैं, और हमने भी बहुत पहले बहुत बचपन में बाई किए हैं यहाँ, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छा ये टोपियाँ हैं मैंने आसान के लिए बाई की है इधर से, ये जो ब्लैक वाली है मैंने यही बाई की है। क्या दाम की है भाई? ये बड़े लोग की है? हाँ, बड़े को भी, बच्चे को। बच्चे की है? कितने की है बच्चे की? छोटे बच्चे के नहीं है? छोटे बच्चे के तो है वो। 120 की? 120। शायद आप लोगों को भी आवाज नहीं आएगी इसके लिए मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। इतना रश है ना यहाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट शॉप। ये देखिए अलग अलग कलर्स की सुतर फैनी भी है माशाल्लाह। और ये लोग है ना कुछ सुबह में जो सैरी है ना उसमें दूध में डालकर खाते हैं, क्या आप भी खाते हैं? मैंने कभी खाया नहीं है, और टेस्ट कैसा होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। 100 रुपए के? 100 रुपए। अरे वाह, ये दे दो ये वाला। पैसे हो गए? 100 रुपए आ गया? 100 रुपए के हैं सारे? ये क्या साइज है? 13 नंबर। हाँ दे दे, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं वापस चेंज करा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। रेस्टोरेंट में नाम नहीं पता।
आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं पता। मोहम्मद अली रोड में जाते जाते बीच में ये दिख गई हमें, तो वो वहाँ खाना था मोहम्मद अली रोड के अंदर, कुछ गली के अंदर मिला ना, मस्जिद की गली में खाना था, बट नहीं जा पाए। बहुत रश था ना, पर तब भी हमने खेलिया, तब भी हम फिर निकल गए वहाँ से, है ना। बहुत डिफिकल्ट था वहाँ से निकलना, हमें बाइक लेना चाहिए था, तो पत्ता था ना, तो हम वहाँ से चले जाते। ओके चलो, अभी अपन निकल जा रहे हैं। ये देखिए, हमने मंगाए थे पराठे और सीख और एक पेप्सी और थोड़े से ये जो प्याज वगैरह और चटनी के साथ मज़ेदार से लगाकर खा लिए। मीठा हमने मंगाया ना, हमने सोचा ये जो हाजी जूस सेंटर है वहाँ जाके पी लेंगे, बट बाहर से जैसे आप देख सकेंगे अंदर हल्की हल्की लाइट खुली है, बट वहाँ कोई हमें दिखा नहीं, तो हमें लगा कि बंद है, लेकिन अभी आप देख सकेंगे कि खुला है थोड़ा, हमें लगा कि बंद है, तो हम तो निकल गए। देखो ये ऑर्डर ले रहा है इसका, हम भी भूल गए, हमें लगा कि बंद है तो हम निकल गए, और हमने थोड़े से मालपुए वगैरह ले लिए थे, तो हमने सोचा घर पे जाके वो अगर खाना होगा तो खा लेंगे, और अभी बैक टू हमारे घर पे जा रहे हैं। ये देखिए अरफात चला रहे हैं, और अजहान इतना थक गया है, 2:30 बज चुके और ये बैठ गया है, सो गया है, लेट गया एकदम, और बस अभी हम जस्ट घर पहुँचेंगे, लेकिन ट्रैफिक बहुत है, 2:30-3 बजे के टाइम के हिसाब से भी बहुत ट्रैफिक है। आप रे क्या ट्रैफिक है, अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बज रहा है, आई गेस हाँ 2:30 बज रहा है, और ये ट्रैफिक, ये देखिए क्या ट्रैफिक है। तो ये था आज का व्लॉग, अभी तकरीबन बज रहे हैं 3 और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए हम, लेकिन तब भी सहरी तो बनानी ही पड़ेगी, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में और आगे का काम करती हूँ, सहरी बनाती हूँ, सहरी खाऊंगी, थोड़ा नमाज कुरान पढ़ूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छा लगा हो या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर एक अच्छे व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।